वहीं छत्तीसगढ़ में आज शासकीय अभिभाषक सम्मान समारोह भी आयोजित किया जा रहा है। सीएम भूपेश बघेल शाम 6 बजे इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। बता दें शाम 7 बजे पंडरी में खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग का कार्यक्रम होना है, जिसमें शिरकत करने के लिए भी सीएम भूपेश बघेल पहुंचेंगे। तो बता दें सीएम भूपेश प्रदर्शनी, सेमिनार और छत्तीसगढ़ हाट बाजार में शिरकत करेंगे। आज कई कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए सीएम भूपेश बघेल पहुंचेंगे, जिसमें शासकीय अभिभाषक सम्मान समारोह और 7 बजे पंडरी में खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग का कार्यक्रम भी शामिल है। वहीं आज गृह विभाग की एक बड़ी बैठक सीएम भूपेश बघेल लेने जा रहे हैं। आपको बता दें कि कानून व्यवस्था को लेकर आज उस बैठक में समीक्षा होगी। मुख्यमंत्री निवास पर यह बैठक होगी, जिसमें गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, डीजीपी, आईजी, एसपी समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहेंगे। तो आज एक बड़ी बैठक होने जा रही है। गृह विभाग की यह बैठक सीएम भूपेश बघेल लेंगे। प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं और इसमें क्या कुछ रणनीति बनाई जा सकती है, इस पर इस बैठक में चर्चा होगी। चलिए, तो हमारे संवाददाता कुलेश्वर लाइव हमारे साथ बने हुए हैं। कुलेश्वर, गृह विभाग की एक बड़ी बैठक आज होने जा रही है, कानून व्यवस्था की समीक्षा तो होगी ही, इसके साथ ही तमाम फैसले भी लिए जा सकते हैं, क्या कुछ उस बैठक में आज हो सकता है? देखिए, बिल्कुल, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गृह विभाग की बड़ी बैठक लेने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री निवास में बैठक होनी है, 11 बजे इसकी शुरुआत होगी। निश्चित तौर पर अगर हम बीते कुछ महीनों की अगर बात करें तो पूरे प्रदेश भर की कानून व्यवस्था को लेकर लगातार विपक्ष कई सवाल जो है सरकार पर खड़े करते हुए नजर आए हैं। और जिस तरह से राजधानी रायपुर में चाकूबाजी की वारदात जो है वो लगातार बढ़ी है, हम पिछले दिनों देखे थे जो आंकड़े सामने आए थे, कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। इसको लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी काफी चिंतित है और आज जो है गृह विभाग की बैठक बुलाए हैं, इसमें डीजीपी, आईजी, एसपी सहित गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भी शामिल होंगे। किस तरह से कानून व्यवस्था को मजबूत किया जाए, क्या सुधार लाया जाए, किस रणनीति के तहत काम किया जाए ताकि जो अपराध में कमी आए, इसको लेकर आज मुख्यमंत्री चर्चा करेंगे और निश्चित कोई बड़ा निर्णय जो इस बैठक के बाद लिया जा सके। बिल्कुल कुलेश्वर, धन्यवाद आपका तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए, अपराध जिस तरह से बढ़ रहे हैं, अपराधों पर नकेल कसने के लिए और किस तरह से कानून व्यवस्था को और दुरुस्त किया जाए, इससे जुड़ी ये बड़ी बैठक आज गृह विभाग की होने जा रही है, जिसमें मुख्यमंत्री समेत तमाम नेता मौजूद रहेंगे।